बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने एशिया कप के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें राजस्थान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को पहली बार नेशनल टीम में जगह दी गई है। राजस्थान के टोंक के रहने वाले 20 वर्षीय खलील ने अब तक 17 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 28 विकेट लिए हैं। राहुल द्रविड़ 2016 अंडर-19 विश्व कप से ही उन पर निगाह रखे हुए हैं। वे हाल में भारत ए के साथ इंग्लैंड दौरे पर भी गए थे। खलील अहमद को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उन्होंने राजस्थान का अंडर-16 और अंडर-19 के स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। खलील के पिता कंपाउंडर हैं, जिनको बेटे का क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। एशिया कप में नहीं खेलेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। खलील अहमद की क्रिकेट खेलने पर घर में रोज पिटाई होती थी, लेकिन खलील की जितनी पिटाई होती उतना ही क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया। खलील के कुछ इम्तियाज ने उनके पिता को मनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। खलील ने क्रिक इंफो को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि टोंक में उन दिनों क्रिकेट को पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन खलील ने बताया कि अब पिता उनके क्रिकेट खेलने से खुश हैं। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।